नमस्कार, इंसाफ टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। डिप्टी कमिश्नर जनाब मोहम्मद इशफाक ने किया दीनानगर शहर का अचानक दौरा। शहर में चल रहे विकास कार्यों का लिया जायजा और दिते सुधार करने के अधिकारियों तुरंत निर्देश। जेकर जोगा कि जिते हलका दीनानगर में विकास कार्य बड़ी तेजी चल रहे हैं, उत्थे ही निर्माण अधीन रेलवे ओवरब्रिज का दौरा कर पहुंचे डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर जनाब मोहम्मद इशफाक ने समारे संबंधित अधिकारियों तो चल रहे हल्के अंदर विकास कार्यों की रिपोर्ट मंगी। जिथे किए जा रहे कामों में प्रशासनिक अधिकारियों रेलवे ब्रिज और होर निर्माण कार्यों में कुछ सुधार करने के निर्देश दिए। उत्थे ही साडे इंसाफ टीवी के पत्रकार प्रिंस नंद वालों पूछे जाने वाले सवाल के जवाब देंदे डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सीवरेज के काम कारण उकड़ हाकड़ हुई सड़कों का समतल कर दिया जाएगा तो जल्द ही काम पूरा होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि जड़िया सड़कों का निर्माण उन्होंने भी जल्द ही कर दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने दीनानगर शहर में बनने वाले तहसील कंपलैक्स का भी दौरा किया। उन्होंने निर्माण अधीन पुल के कोल जाके पै रहे सीवरेज का काम जल्दी पूरा होने का सब तो पहले तो जी अभी मैं देखिया मन बड़ी खुशी हुई है कि जो अपने बहुत ही गंभीर मुद्दा फसया हुआ कि फ्लाईओवर के नाल जो सीवर लगना सी वो काम लगभग मुकम्मल हो गया। दो पाइपा लगनी रहिंदियां ने वो भी लग जाएगियां। जो सीवर है सीवरेज बोर्ड ने हुण ओपन कट राही लाया है, इहदे नाल घट्टो घट्ट शहर का 1.5 करोड़ रुपया बच गया। जिहड़ी पहले तजवीज़ बना रहे थे कि असीं नूं अंडरग्राउंड बोरिंग करके करांगे, वो घट्टो घट्ट 6 मिनट तो बाद समा लगना सी, साल भी लग सकता सीगा, तो 1 करोड़ के उपर खर्चा आ जाने 1.5 करोड़ के आसपास। सो उही काम भी 25-30 लाख रुपए हो गया तो काम भी तेजी हो गया। तो मैं देखना सीवर का काम मुकम्मल हो गया, ये हम सीवर जो बाकी ब्रांचा जोड़न का काम भी तेजी आ जाएगी। फ्लाईओवर के काम के भी काफ़ी तेजी आ रही है और होर भी तेजी आएगी। रेलवे की मंजूरी आ गई है, सिर्फ डिजाइन पास होने वास्ते डिप्टी चीफ जी को पेंडिंग है। वो भी मैंने अच्छ कि उन्होंने मुख्य इंजीनियर ने दिल्ली बैठते हैं, उन्होंने डीओ लेटर लिखे, वो भी मंजूरी से 15 दिन की कोशिश करते हैं। तो सिटा निकलेगा कि साढ़े दोनों काम ने वो तेजी होने शुरू हो जाने हैं। जोड़ा सा प्रबंधकीय कॉम्पलैक्स बनना है वो तो बारे भी मैं देखने जा रहे हैं। मैंने दसाया गया कि वह बेयरिंग कपैस टैसट हो गया, वो रिपोर्ट आनी है, तो सूँ आस है जो टैसट हो गया डिजाइन करके वह भी टेंडर अभी 1-2 महीने दिलवाने की कोशिश करा। सर, शहर वासियों का कहना है कि पुल के उपर जो सुरक्षाकर्मी अक्सर जो वर्कर काम करते हैं उन्होंने कोई सुरक्षा बैल्ट या कोई दूसरी चीज़ नहीं लगाई होती, उन्होंने की सर स्पेशल? देखो असं हमेशा बार बार कह रहे हैं, अभी फिर कह रहे हैं, हूँ भी कह रहे हैं, इन्होंने अक्सर साहब इतने है कि जो भी सेफ्टी का समान है सारा दो, क्योंकि जे कल कोई किसी माड़ी घटना वापर जाती है जो साइट इंजीनियर है, साइट के ठेकेदार ने, होर अफसर इंचार्ज है, सारे उपर क्रिमिनल केस रजिस्टर हो जाते हैं। सो मैं हूँ ही रिक्वेस्ट कराँगा इन्हों जो भी सेफ्टी गाइडलाइनज ने वो सारे इन्होंने मुहैया कराएंगे। सर, शहर पूरी तरह से टूटिया पे, सीवरेज का काम चल रहा है, कि उन्होंने प्लेन करने लिए भी कोई कदम उठाया? हाँ, मैं इन्होंने हूँ गल कही एक्सन साहब सीवरेज बोर्ड में, क्योंकि इन्होंने एक बार मिट्टी पाकर थोड़ी देर वेट करनी होंगी है, नहीं तो फिर उसी मिट्टी बैठ जाती है। पर यह मतलब यह नहीं कि सड़क उच्ची नहीं हो जाए। इन्होंने यही कहा भी ट्रैक्टर लगा के कराह फेर के उन्होंने एक बार लेवल कर दो, और जो दोबारा फिर उच्चा नहीं पाँगा फिर कर दौ जब तक सैटलमेंट नहीं हो जाती, ताकि लोगों का मोटरसाइकिल जो स्कूटर लंघन का सिस्टम है वो ठीक बन सके। इतने मैं देख रहा इतने भी उच्चा नीवा हो गया, इन्होंने वादा किया भी अगले हफ्ते के जो काम पूरा करेंगे। थैंक यू।